आदमी करूंगा फांसी लगा दे भाई, हम यही कहूंगा। वहाँ राम मंदिर के चक्कर में वहाँ बचाने के लिए कोरोना नहीं था, यहाँ हमारे राम मंदिर को ही तोड़ दिया। हम उसको बर्तन धो के झाड़ू पोछा करके आज घर बनाए आए, मोदी जी हमारा तोड़वा दिए, हम लोग वोट से जिता दिया, वो हमारे घर तोड़ के चला गया। मैं अपने शरीर का व्यापार करूंगी, इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है सरकार ने मुझे। लोड बने थे तब सरकार आंख उनके क्यों बैठे थे। यह जो टूटे हुए घर आपको दिखाई दे रहे हैं, बिखरी हुई ईंटें दिखाई दे रही हैं, यह फरीदाबाद की हैं। हरियाणा का फरीदाबाद जिला औद्योगिक नगरी कहा जाता है, वहां भाजपा की सरकार है जिसे खट्टर कहा जाता है। यह गरीबों की सरकार है, मजलूमों की सरकार है, किसानों और जो हाशिए पर पड़े हुए समाज के लोग हैं उनकी सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के लिए ही जीते हैं और गरीबों के लिए ही मरते हैं, यहाँ तक कि सांस वह गरीबों के लिए ही लेते हैं। जी हाँ, लेकिन उनकी खट्टर सरकार दया नहीं कर पाती है और उसने 1200 झुग्गियाँ फरीदाबाद में उजाड़ दी हैं। उजाड़ने का बहाना सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और कहा है कि यह अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसमें अतिक्रमण कर रखा है इन लोगों ने, इसलिए इनके घरों को उजाड़ दो। और पुलिस ने इनके घरों को उजाड़ दिया है, मानो हमारे देश में अतिक्रमण का काम केवल गरीब ही करते हैं। हमारे देश में आपने कभी सुना होगा कि कोयलरी के इलाकों में खदानों में अवैध कब्जा कर लिया गया है और उस पूरे इलाके में गरीबों को उजाड़ दिया गया, किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया, अतिक्रमण करके किसानों को उजाड़ दिया गया, इंडस्ट्रीज के इलाके में यही किया गया। सवाल ये है कि जब इन गरीबों को इनके घरों से, इनकी जमीनों से, इनकी मिट्टी से उजाड़ा गया, उसका अपराधी कौन था? यह गरीब बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र से, देश के अलग अलग हिस्सों से आकर इस अरावली पहाड़ी में जो बसे हुए हैं, उनकी मजबूरी क्या है? उनको उजाड़ने वाला कौन है? सरकार उन उजाड़ने वालों को कौन उजाड़ेगी जिन लोगों ने इनको रोटी देने की जगह यहाँ धकेल कर ला दिया और यहाँ भी वह अपने पेट पर ही पल रहे थे, लेकिन सरकार की निगाह में वो गड़ रहे थे। हमारे देश में गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जा करके अस्पताल बन जाते हैं, प्राइवेट स्कूल बना लिए जाते हैं कौड़ियों के दाम पर लिए हुए जमीन पर, क्या वो अवैध कब्जे नहीं हैं? अगर उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती तो इन गरीबों पर जो सिर्फ पेट पर रोटी के लिए पल रहे हैं और जिससे ये पूरा का पूरा इलाका पलता है, उनके घर उजाड़ने की इतनी तेजी हमारी सरकारों को क्यों होती है? भाषणबाजी में, जुमलेबाजी में हमारी सरकारों का कोई जोर नहीं है, लेकिन ये 1200 झुग्गियाँ जिसमें 25,000 लोग रहते थे, उनके बच्चे, उनकी बुजुर्ग महिलाएं, उनका पूरा परिवार था, उनको एक झटके में सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया कि हमारे देश में कानून ये कहता है। आप सुनने वालों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अभी कमेंट आएंगे कि इन गरीबों को यहाँ रहने की ज़रूरत क्या थी, इस अवैध जगह में वो क्यों कब्जा करके रह रहे थे। जी हाँ, यह सवाल तो वाजिब है आपका, लेकिन हमारा भी सवाल क्या कम वाजिब है कि देश में अतिक्रमण करके इन गरीबों को अपनी जगहों से उजाड़ा गया, इनके रोजगार छीने गए, इनकी रोजी रोटी छीनी गई, इनकी गरीबी पर वोट मांगे गए और इनको धकेल कर महानगरों में किसान से, खेतिहर मजदूर से, छोटे मोटे रोजगार करने से उजाड़ कर अपनी जगह जमीन से इस शहर में पटक दिया गया जहाँ भिकमंगों जैसी हालत में ये जी रहे। हमारा तो यही सब, हमारा घर भी, पंखा भी, पता के कॉपी किताब पोती का सब इसी में दबा हुआ, देखे देख का हाल सब क्या कर दिया। गए थे यहाँ ठोट दबा कर हमको मार रहा था, इन्हें कुछ हट दिया, मैं जब यार क्या भी देख रहा है, मेरे ठोट दबा कर दिया और सारी पंखा तंखा मेरा सारी चला गया, मैं कहा हुआ क्या मरूंगा। गैया 20 बरस से यही काम करते करते मैं मर रहा हूँ, पैसा पैसा जमा करके बुढ़ापा में बीमारी के दिया करता कि डिप्टी कर्जी नहीं निकलो, घर से नहीं निकल रहा, बच्चा का हमारा छोटा छोटा एक लड़का कमाने वाला, मैं क्या करूं? हम तो यही बोलूंगा क्या ये सरकार हमको मारने के लिए चाह रहे तो फांसी लगा दे, मोदी का यही मंजूर हमको फांसी लगा दे, हम तो कपड़ा में यही कहूंगा, आदमी करूंगा फांसी लगा दे भाई, हम यही कहूंगा, हमारा इंसाफ यही है फांसी।
माले मार मार के जा रहे हैं। लेकिन ये तो है, किसमें बनाएंगे, किसमें खाएंगे, कहाँ क्या करें? हाथ पैर जोड़े थे, हाथ पैर जोड़े थे, हाथ पैर जोड़े लोड बने थे, तब सरकार आंख उनके क्यों बैठे थे? और क्यों उसी टाइम तभी हमारा सब डंडा गिरते आपको पुलिस ने मारा? किसी को पता ही पुलिस वाला मारा कि देख चूर रहा डंडे फटे पड़े ये बज रहा हूँ मारे कान फट गए बैंडेज हो रखा है वो बेचारी के ये छाती में मारे मारे दर्द उठ गया रात में थोड़ सब आया था और तो सारा सरकार का ही आदमी सब आया था थोड़ा फोड़ा है न कोई नोटिस है न कोई कुछ है हम लोग दसों साल से यहाँ रह रहा हूँ बीबी बाल बच्चे सबको लेकर के यही रहता हूँ ड्यूटी करता हूँ ये कोरोना में तो सौंसे दुनिया कोरोना है अब ये जो तोड़ दिया है कितने लोग जो 400 घर जाएगा तो कोरोना कहाँ फैलेगा कोरोना फैलेगा कि बचेगा तो एक तो कोरोना दूसरा सबकी बाल बच्चे की स्कूल पढ़ाई बंद हो गई हम लोग को रोजी रोटी जो है वैसे ही कंपनी सबको बैठा करके रखा है सैलरी नहीं देता है न तनख्वाह देता है अब ये लोग खाएगा कहाँ से और ये पढ़ने कैसे जाएगा अब ये हम लोग रात में रहे कहाँ यहाँ आंधी तूफान पत्थर जो आएगा तो बंदा तो ऐसे ही आदमी मर जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाए मोदी सरकार जी कहते हैं जो हम गरीब को उठाते हैं ये तो सिर्फ जो है गरीब को तोड़ने और भगाने का ही रीति है केंद्र में भी वही सरकार है हरियाणा में भी वही सरकार है जब ये कहते हैं अनरथाई जमीन था तो इससे पहले जो है यहाँ पुलिस प्रशासन दुनियादारी नेता लोग जो ले पैसा ले ले करके सबको बसाया वो कहाँ गया नेता लोग कहाँ गया पुलिस कहाँ गया प्रशासन घर बनाते समय कहता था 5,000 रुपया लगेगा तो पुलिस बनाने देगा 5,000 वहाँ दो 5,000 वहाँ दो 5,000 वहाँ दो तो सब तर ये लोग तो सारे गरीब को तो लेकर के चूस लिया अब हम लोग जाए तो कहाँ जाए सरकार कहती है कि सारे व्यवस्था मैं करूँगा मगर सरकार कुछ किया नहीं वहाँ राम मंदिर के चक्कर में वहाँ बचाने के लिए कोरोना नहीं था आई यहाँ हमारे राम मंदिर को ही तोड़ दिया उस मंदिर में इस मंदिर में राम कहीं दो है कि एक है और मैंने बोला तो पुलिस वाले ने मुझे डंडे से मारा ये देखो यहाँ मारा तो आप तो संत हैं आपको क्यों मारा गया क्या बात हुई आज यहाँ पर मैं सिर्फ यही बात बोला हूँ कि कोरोना में हम लोग जाएंगे कहाँ आप कोरोना कोरोना कह रहे हैं एक तो हमारा रोजगार नहीं है कोई काम नहीं है सारे आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर जो एनजीओ की तरफ से रिलीफ आई थी लोग खा रहे थे उसके बाद भी सब तोड़ फोड़ के खत्म कर दिए अब ना मेरे पास यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी है ना पीने के लिए कुछ है अब मैं कहाँ क्या जाऊँ कैसे रहूँ सरकार मुझे क्या करेगी जनता को मार देगी या खत्म कर देगी इससे चाहे कि सबको एक बार भुलवा दो ना पब्लिक रहेगी न आपके साथ कुछ होगा आप सारे व्यवस्था या एक बार मशीन गन लेके सारे जनता को भुनवा दो हम तो यही कहेंगे गरीब को जीना ही बेकार है अब जो कुछ करना है मोदी जी करो अब हमारा सबको तो घर तोड़वा दिए डंडा से मार खिलवा दिया सामान भी नहीं निकलने दिए अब हम कौन उपाय करूं चार गो बेटी है हमारा घर में कोई नहीं थे जब बेटी के कहते हैं सवाल तो बेटी के पढ़ाओ बेटी के लिखाओ किसी को घर नहीं तोड़ने दूंगी किसी को कुछ नहीं दूंगी अब यहाँ पर हम क्या खिलाओ और क्या पिलाओ है हम उसको बर्तन धो के झाड़ू पोछा करके आओ घर बनाए आए मोदी जी हमारा तोड़वा दिए मैं कारपेंटर का काम करता हूँ सरकार से तो नौकरी मांगता नहीं हूँ मैं अपना मजदूरी करता हूँ मजदूरी करके अपना पेट काट करके मैंने ये घर बनाया जमीन वो भी पैसा दे करके फोकट में नहीं बनाया था और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने इसको तोड़वाया जबकि बोलता था मैं घर दे रहा हूँ और घर क्या देगा मेरा घर को उजाड़ दिया मैं अब कहाँ जाऊँ क्या खाऊंगा ये सरकार ने बीजेपी सरकार ने मेरा ये घर मकान तोड़ दिया है मैं पहले ही गरीब थी अभी कोरोना काल में वैसे ही काम धंधा कुछ नहीं था और अब बताइए ये मेरा घर मकान तोड़ दिया है तो क्या करेंगे इसको अब मेरे बच्चे क्या करेंगे मेरे बच्चे जेब काटेंगे मैं अपने शरीर का व्यापार करूंगी इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है सरकार ने मुझे सरकार को हम लोग जिताए वोट देके तो मोदी सरकार हमारे सबको घर रहने के लिए देगा बोला सबको घर सबको घर रहेगा किसी का झुग्गी नहीं टूटेगा आज हमारे सबको सारे घर तोड़ दिया हम लोग वोट से जिता दिया वो हमारे घर तोड़ के चला गया इन महिलाओं को रोते हुए आप देख रहे हैं
या गिड़गिड़ा रही है, नहीं कोई सुनवाई होगी, यहां न्याय की बात होगी। चैनलों पर बैठ जाएंगे पेड पत्रकार और बताएंगे कि यह कितना बड़ा अतिक्रमण था और अरावली की सुंदरता और अरावली का मौसम और दिल्ली की जो गर्मी थी यह इन गरीबों के फैलाए हुए प्रदूषण से आ रही थी। मानो कि दक्षिणी दिल्ली के दूसरे हिस्सों में वहां कोई कब्जा नहीं है, अरावली की पहाड़ियों में जिन माफियाओं का कब्जा है उनका क्या हुआ, उनके अतिक्रमण पर कब कार्रवाई होगी? अगर कार्रवाई होनी भी है तो इस देश में किसानों की जमीनों पर तमाम पूंजीपतियों ने अवैध कब्जे किए हैं। तमाम पूंजीपतियों ने एक तरफ से, उसमें छोटे से बड़े सभी शामिल हैं, जिन्होंने थोड़ी जमीन ली और बड़ा कब्जा कर लिया, कहा कि यहाँ ये फैक्ट्री लगाएंगे उसकी जगह दूसरी फैक्ट्री लगा ली। क्या इनकी कभी जांच होगी? क्या यहाँ से यह उजाड़े जाएंगे? क्योंकि ये गरीब जो देहातों से गांवों से उजड़ कर आए हैं वो उन्हीं की देन है। वह जगह जमीन से उजड़े हुए लोग हैं, पर्यावरण खराब हो जाती है, कोसी नदी के किनारे का पूरा हिस्सा बाढ़ग्रस्त हो जाता है, राजस्थान में सूखा पड़ जाता है, जो स्थितियां हैं बुंदेलखंड रहने लायक नहीं रह जाता है। क्या उसके लिए ये गरीब जिम्मेदार हैं? क्या इन्होंने ये मौसम बिगाड़ा है? अतिक्रमण नदियों पर, पहाड़ों पर, जंगलों में, खदानों में क्या इन गरीबों ने किया है? अगर नहीं तो उजाड़ने की बारी में सबसे पहला नंबर इनका क्यों आता है? जरा सुनिए इस गुस्से को। करना क्या है इनकी, ऐसी ऐसी करनी चाहिए सालों की, कि जो पैसे लेके गए हैं ऐसे ऐसी करा के गए हैं यहाँ पे। क्या भाई आप क्यों नहीं आ रहे भाई? माता क्या जाए मिलने के लिए उनसे, क्या करें मिलके उनसे, जब साले उन्हें यही नहीं दिख रहा है कि हम कैसे पड़े, हम रात कैसे काट रहे हैं, सामान हमारा कैसा पड़ा है, देख रहे हो है खाने के लिए नहीं, पानी जब कुछ है नहीं तो कहाँ से करेंगे। ये सरकार हमारी मोदी भी क्या मतलब का, मकान टूटने नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो ये क्यों हो रहा है? फिर घंटा बना के देंगे जो रह रहा है पब्लिक, उसे वैसा करोना है कि मास्क लगाओ, ये लगाओ, फलान लगाओ, यहाँ साली पब्लिक इतनी देख रहे हो कितने आबादी है, क्या हमने पथराव करा, पथराव पड़ते तो साले बच जाते। मैंने चलो सरकारी आदमी है, मैंने सरकारी आप काम करो अपना, सरकारी आदमी ये काम करते हैं कि एक दीवार ढाल दी, दो दीवार ढाल दी, गरीब को मतलब बेघरी कर दो। मैं तो कह रहा हूँ मोदी हाय हाय और मुर्दा बात साला। गुस्से में यह आदमी लगातार गाली बक रहा है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, इसको नहीं पता कौन सा कोर्ट है, इसको नहीं पता कौन सी सरकार है। वह बार बार कह रहा है कि जो भी है इतने साल से हम रह रहे हैं, क्या हमें कोई अधिकार नहीं है? आप विदेशियों को शरण देते हैं, आप पाकिस्तान के हिंदुओं को जगह देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अपने देश के नागरिकों को आपके रहने के लिए जगह नहीं है। आप वादे करते हैं, इनसे वोट लेते हैं, बिजली का बिल लेते हैं, मोबाइल का कनेक्शन चलवाते हैं, इनसे टैक्स लेते हैं, लेकिन इनके रहने की जब बारी आती है, ये कोठियों में काम करते हैं, ये फैक्ट्रियों में काम करते हैं, यह आपका जीवन चलाते हैं, लेकिन जब इनके आवास की बात आती है तो आप इनको इतना नहीं देते कि अपना घर बना सकें, और माफियाओं बिल्डरों के लाखों लाख महंगे फ्लैटों को ये नहीं खरीद सकते, इसलिए इन्हें अवैध जगहों पर रहना पड़ता है। और देर सवेर कहीं यही स्थिति 48,000 दिल्ली के झुग्गी वासियों की ना हो जाए, इसलिए हमें चेतना होगा, सरकार को बताना होगा कि हम इस देश में अपना खून और मिट्टी लगाते, खून और पसीना लगाते हैं, हमारे द्वारा यह खड़ा होता है, और कोई अवैध नागरिक नहीं है, इसी देश के ये नागरिक हैं, इसी देश के लोग हैं, इसमें तमाम लोग हैं जिन्होंने सत्ताधारी पार्टी को वोट दिया कि इनकी किस्मत बदलेगी, क्योंकि हर बार सत्ताधारी पार्टियों ने चुनाव से पहले वादा किया कि हम आपको जहां झुग्गी वहीं मकान बनाकर देंगे, लेकिन उस वादे का परिणाम यह सामने है, यह आंसू है, यह बिखरे हुए घर हैं, बिना भोजन के पड़े हुए लोग हैं, और ये जो घर बार के साथ लोग थे सरकार ने अब इन्हें रोड पर ला दिया है और भिखमंगों की देश में नई फौज खड़ी कर दी है।